घर चलाने के लिए गोविंदा को क्या क्या करना पड़ रहा है। हीरो नंबर वन की यह हालत देखी नहीं जा रही, ऐसा हम नहीं बल्कि फैंस इस वीडियो को देखने के बाद कह रहे हैं। गोविंदा एक चुनावी मंच पर यूं ठुमके लगाते हुए नजर आए, लेकिन उनके इन ठुमकों को देखकर फैंस खुश नहीं बल्कि मायूस हो गए हैं। गोविंदा के पास लंबे समय से काम नहीं है, कोई उन्हें फिल्मों में नहीं ले रहा, इसलिए उन्होंने पिछले दिनों काम ना होने की वजह से फिर से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की और शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। अब गोविंदा चुनाव के बीच पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और उन्हें मंच पर जाकर क्या क्या करना पड़ रहा है वो सबके सामने है। हाल ही में गोविंदा पार्टी के एक कार्यक्रम में थे जहां उन्हें मंच पर कुछ इस तरह से नचाया गया। ये देखकर फैंस का दिल भर आया है। गोविंदा मंच पर नाच रहे थे, उनके पीछे लोग तालियां बजाकर हंस रहे थे। गोविंदा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक शख्स ने गोविंदा के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, दिस लुक सो चीप। कुछ सेलिब्रिटीज को ये पता नहीं कि कब काम छोड़ना है और कब बंदरबांट करना बंद करना है। दूसरे यूजर ने गोविंदा का मजाक उड़ाते हुए लिखा, नाचने के लिए तो गया है पार्टी में। वहीं तीसरे यूजर ने कमेंट किया, क्या से क्या हो गया। चौथे ने लिखा, भाई ये सुपरस्टार था पहले। पांचवें यूजर ने कमेंट किया, क्या हालत हो गई गोविंदा जी की। गोविंदा 90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे, उनके आगे खान कुमार किसी का सिक्का नहीं चला, लेकिन दौर ऐसा बदला कि गोविंदा बेरोजगार हो गए। गोविंदा की आखिरी फिल्म रंगीला राजा थी जो 2019 में आई और सुपर फ्लॉप रही। उनकी आखिरी हिट फिल्म पार्टनर थी जो 2009 में आई थी। तब से फिल्मों में गोविंदा का डिब्बा गोल है। गोविंदा के इस वीडियो को देखकर लोग उन पर तरस खा रहे हैं। वेल, आप क्या कहेंगे गोविंदा के इस डांस को देखकर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।